Divya Sharma, www.myfitnessbeauty.com. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. मैं हूँ दिव्या शर्मा. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी लोग ऊंचा और लंबा कद चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हाइट लंबी हो या फिर आपकी हाइट भी लंबी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें. इसमें आपको पूरा ट्रीटमेंट यानी कि कंप्लीट ट्रीटमेंट हाइट इंक्रीज का बता रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब लोगों की हाइट जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन सब लोग यही चाहते हैं कि उनकी हाइट बहुत लंबी हो ताकि वो भी सुंदर दिख सकें, या फिर जो भी पर्पस से सबको ऐसा लगता है कि हाइट अच्छी है तो हम अच्छे लग रहे हैं. अगर सभी ऐसे चाहते हैं तो हाइट इंक्रीज करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कुछ एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे योगा की जो आपको ज़रूर करने चाहिए. तो इसमें आता है सबसे पहले भुजंगासन. भुजंगासन में आपको पेट के बल लेट जाना है, उसके बाद अपने हाथों के सहारे अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है. ऐसा आप पीछे 20 सेकंड के लिए रुकें, फिर अपनी सेम पोजीशन में आ जाएं. ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बार करें. ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच करेगी, आपके मसल्स को स्ट्रेच करेगी और हाइट इंक्रीज करेगी. ये नहीं कह सकते कि आपको सारी एक्सरसाइज एक दिन करनी है. हमेशा ही ये एक्सरसाइज नहीं बल्कि कोई भी एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको 100% मिलेंगे. अगर एक दिन करके छोड़ देते हो तो कुछ नहीं होता. उसके बाद बात करते हैं, आपको करना चाहिए पश्चिमोत्तासन. पश्चिमोत्तासन में भी आपको बैठ जाना है और उसके बाद आपको अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है. इस टाइम आपकी जो नोज होगी आपकी लेग को टच करेगी, पर स्टार्टिंग में अगर नहीं भी करें तो कोई मैटर नहीं है. धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करने लगेंगे. ये एक्सरसाइज भी आपकी हाइट इंक्रीज में बहुत मदद करती है. उसके बाद बात करते हैं कि आपको अपने बच्चों को बजाय कंप्यूटर गेम या मोबाइल गेम से खेलने देने के लिए आपको चाहिए कि आप उन्हें बास्केटबॉल खिलाएं, बैडमिंटन, टेनिस, साइकिलिंग, ये चीज़ों की तरफ उनका रुझान करें ताकि उनकी हाइट रुके नहीं बल्कि इंक्रीज हो सके. इसके अलावा आपको लटकना ज़रूर चाहिए. कोई भी आप रॉड लें रोड के ऊपर, मतलब रोड को किसी की चीज़ के साथ बांध लें और उस पर लटकें. ऐसे लटकने से मसल स्ट्रेच होते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है लचीली बनती है और लंबाई इंक्रीज होती है. इसके अलावा आपको सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए. सूर्य नमस्कार अगर आप सूर्य के आगे करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा जो कि हमारी हड्डियों की मजबूती में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं. इसके अलावा आपको रस्सी ज़रूर कूदनी चाहिए. रस्सी कूदने से ओवरऑल सारे के सारे बॉडी के मसल स्ट्रेच होते हैं और हाइट इंक्रीज होती है, स्टेमिना बढ़ता है. इसके अलावा आपको ताड़ासन करना चाहिए. ताड़ासन में आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ करके खींचना है. पूरा भार आपके पंजों पर होगा, फिर लेफ्ट में मुड़ें, फिर राइट में मुड़ें. ऐसा करने से बॉडी स्ट्रेच होती है और हाइट इंक्रीज होती है. ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है. अब बात करते हैं ऐसी कौन सी डाइट है जो आपको लेनी चाहिए, उसके बाद बात करेंगे ट्रीटमेंट की. तो अगर डाइट की बात करें तो आपको विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, जो कि हमें दालों से मिलता है, मशरूम से मिलता है, गाय के दूध से मिलता है. ये चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए. मेनली आपको सूर्य की सुबह की धूप भी लेनी है. इसके अलावा आपको कैल्शियम ज़रूर लेना है, जो कि हड्डियों की मजबूती में बहुत कारगर है. और कैल्शियम के लिए भी आपको दूध, चीज़, दही, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करना है. इसके अलावा आपको जो भी हरी सब्जियां हैं, बीन्स हैं, ब्रोकली, गोभी, कद्दू, गाजर,
दाल, मूंगफली, केला, इन चीजों का सेवन करके आप अपने अंदर वो सभी पोषक तत्वों को डाल सकते हैं जो कि हाइट इंक्रीज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अब बात करते हैं वो ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो है वो राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ है। उन्होंने बोला है कि चूने के द्वारा हाइट इंक्रीज होती है और ये बात साबित भी हो चुकी है कि चूने के द्वारा हाइट इंक्रीज भी होती है और माइंड भी शार्प होता है। जिनकी याददाश्त कमजोर है ये उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आपको चूना कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ गेहूं के दाने जितना, इससे ज्यादा नहीं लेना। गेहूं के दाने जितना चूना लेना है, वो भी आपने जो चूना ले रहे हैं वो वही लेना है जो पान बनाते हैं उनकी शॉप से मिलता है, वो चूना ही आपने लेना है। और आप इसे किसी भी सब्जी, दाल, दही या पानी किसी में भी मिक्स करके ले सकते हैं। आपको रोजाना सिर्फ और सिर्फ गेहूं के दाने जितना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ऐसा करने से हाइट इंक्रीज होगी और याददाश्त भी तेज होगी, हमारी रीढ़ की हड्डी भी बढ़िया बनेगी, यानी कि लचीली बनेगी। ये बहुत बेनिफिशियल है, आप इसे यूज़ करें और इसे यूज़ करके अपनी हाइट और माइंड दोनों को, माइंड को शार्प करें और हाइट को इंक्रीज़ करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेल आइकन पर प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में भी लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसे पंजाबी में सुन सकते हैं। मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, सेम टाइम 9:00